हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायजोस पॉन्डिचेरी T10 मैच की, जो कि मैच होगा यहाँ से अवेंजर्स वर्सेस किंग्स के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार और लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते एक बार कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इस यूट्यूब चैनल पर कवर की जाएंगी। इसके साथ साथ मिलेगा आपको यहाँ से ECS T10 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है और यहाँ से टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको टेलीग्राम में मिलेगी। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक अटैच किया हुआ है। इनकेस अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च भी कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको टेलीग्राम में मिलेगी। तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, क्योंकि अपडेट वगैरह आपको वहीं पर मिल जाए। तो बात करें इस मैच की, तो ये मैच दोपहर में 1:30 पर PM कर दीजिएगा यहाँ से। दोपहर में 1:30 पर क्रिकेट एसोसिएशन पुडुचेरी CHM ग्राउंड पुडुचेरी में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट यहाँ से न्यूट्रल और बैलेंस पिच है, लेकिन यहाँ से बॉलर्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि बॉलर्स काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इवन पहली आज के दिन की पहली मैच में यहाँ से पहली इनिंग सिर्फ 45 रन में ऑल आउट हो गई। यहाँ से सामने वाली जो भी टीम ने यहाँ से पहली इनिंग में बैटिंग की 45 रन में ऑल आउट हो गए, तो बॉलर्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बाकी एवरेज स्कोर की बात करें तो 110 रन के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। चेजिंग रिकॉर्ड में ऐसे 43 मैचेस के अंदर 21 बार चेजिंग करने वाली टीम ने जीती और 19 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती। जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले चेज करना पसंद कर सकती है। बात करते हैं ऐसे टीम अवेंजर की, तो 10 मैच खेली जहाँ से 5 जीत के आ रही, 5 मैच यहाँ से हार के आ रही है। बात करें ओपनिंग की, तो मरीमुथु वी और यहाँ से के अरविंद दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं और दोनों ही पिछले कुछ मैचेस के अंदर अच्छे टच में दिख रहे हैं। हालांकि मरीमुथु लास्ट मैच के अंदर 7 रन पे जरूर आउट हो गया था, लेकिन इससे पहले 80 रन की एक बड़ी फायरिंग खेली थी, इससे पहले 2 विकेट निकाली, इससे पहले 29 रन किए, इससे पहले 38 किए। तो अभी रिसेंटली फॉर्म उनका अच्छा चल रहा है, तो मरीमुथु वी हमारी टीम के अंदर डेफिनेटली रहेंगे। बाकी के अरविंद पिछली सारी मैचेस के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे, 30, 50, 51, 31 जैसे स्कोर किए हो, तो ये दोनों ही हमारी टीम के अंदर रहने वाले हैं। बात करते हैं ऐसे आनंद करगावे की, तो देखो इनका शुरुआत के अंदर कुछ परफॉर्मेंस काफ़ी बड़े परफॉर्मेंस रहे इनकी तरफ से, तो इनको ड्रॉप करना थोड़ा सा रिस्की रहेंगे। हालांकि पिछले कुछ मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं रहा, लेकिन फिर भी इनको छोड़ के जाना थोड़ा बहुत रिस्की रहेगा, तो अभी के लिए शायद मैं इनको छोड़ के ना जाऊँ। अभी बात करता हूँ मैं यहाँ से थन्नावन एन की, तो इस बंदे के बारे में पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा प्लेयर है, काफ़ी तगड़ा मारता है, लेकिन उसको क्या था ना, ये जो आपको इनके जो रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं ऐसे, तो वो जो है इनको काफ़ी नीचे बैटिंग के लिए भेजा गया है, जहाँ पर उनको ज़्यादातर बॉल खेलने को नहीं मिलती थी, उसके कारण से उनके परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ गया। और इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, आप चाहिए तो लास्ट वीडियो मेरा देख सकते हो जाके, अवेंजर का लास्ट मैच का जो भी वीडियो है देख सकते हो कि इनके बारे में मैंने क्या बताया, कि ये बंदा जब भी ऊपर से खेलेगा ऐसे तीसरे चौथे नंबर पर, तब यहाँ से बड़ी पारी इनकी तरफ से आ सकती है। और लास्ट मैच के अंदर 32 रन किया, तो एक बार फिर से यही बात कहूँगा कि अगर ऊपर से खेलेंगे तो स्कोर करेंगे, लेकिन यह जो ये टूर्नामेंट है पूरी अनप्रेडिक्टेबल टूर्नामेंट है, तो कभी भी देखो यहाँ से क्वालिफाई करके इनको नीचे भी भेज देते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ तो फिर गैर जिम्मेदारी भरी अगर खेल होता है तो फिर क्या ही कहेंगे। बाकी ऐसे प्लेयर ऐसे थन्नावन काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, इनको डेफिनेटली लेके जाना पड़ेगा। बात करें ऐसे जय सुंदरन की, तो पहली मैच के अंदर उनकी बैटिंग नहीं आई और दूसरे मैच में यहाँ से बैटिंग करते हुए 17 रन कर दिए। तो यहाँ से देखो ये प्लेयर्स भी कुछ ऐसा ही कि अगर ऊपर से खेलने को मिल गया तो अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन अभी के लिए इनको लेके जाना थोड़ा बहुत रिस्की रहेगा, तो इनको तो शायद मैं लेके नहीं जाऊँगा। यहाँ से आर प्रवीण विकेट कीपिंग सेक्शन में दिखेंगे, लेकिन पिछले दोनों मैच के अंदर उनकी बैटिंग नहीं आई, तो इनको भी लेके जाना थोड़ा बहुत रिस्की है, तो शायद मैं लेके ना जाऊँ। बाकी बॉलर्स के ऊपर थोड़ा बहुत अच्छा से ध्यान रखना है, क्योंकि बॉलर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और जो बड़ा रोल है यहाँ से बॉलर्स का ही रहने वाला है। अगर किसी को अगर आप ड्रॉप कर सकते हो बॉलिंग सेक्शन से, तो यहाँ से इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो, सुब्रमण्यम एन के ऊपर। बाकी ये चारों ही बॉलर्स आपकी टीम के अंदर रहने चाहिए, वो फिर भूषण शर्मा हो, यहाँ से वेंकटेशन एन हो, एल जवाहर राज हो और यहाँ से कृष्ण प्रूडवी, क्योंकि इस टीम की बात करो तो बॉलिंग जो डिपार्टमेंट है, बॉलिंग डिपार्टमेंट इनका काफ़ी तगड़ा बॉलिंग डिपार्टमेंट है, तो यहाँ से इनके ऊपर पूरा फोकस करना है। इवन मैं तो कहूँगा कि यहाँ से सुब्रमण्यम एन को भी आप लेके जाइए, लेकिन अगर किसी को छोड़ना है तो यहाँ से सुब्रमण्यम एन को छोड़ सकते हो, बाकी ये चारों ही बॉलर्स आपकी टीम के अंदर
डेफिनेटली रहने चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो भूषण शर्मा ने पिछले दोनों मैच के अंदर 2 विकेट निकाले, यहाँ से वेंकटेशन ने लास्ट मैच के अंदर 3 विकेट निकाला, इससे पहले हर एक मैच के अंदर विकेट निकाला है, इससे पहले भी एक बार वो 3 विकेट निकाल चुके हैं। बाकी जवाहरराज पिछले दोनों ही मैच के अंदर 2-2 विकेट निकाले, इससे पहले 2 और 3 विकेट निकाले थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और बाकी कश्यप प्रवीण तो हर एक मैच के अंदर विकेट निकाल रहे हैं, तो ये जो चारों बॉलर्स है चारों में से किसी भी बॉलर्स के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के तौर पर, तो यहाँ से ये थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। डेथ ओवर्स की बात करो तो कश्यप पुरुडवी और यहाँ से वेंकटेशन एन दोनों डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। बाकी बैच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई किसी भी चीज़ की, यानी कि अगर कोई भी प्लेयर को आपको चेंज करना है तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बात करते हैं ऐसी टीम KGS की, तो 11 मैच के लिए जहाँ से 5 मैच जीत के आ रही है, 4 मैच हार के आ रही है, 2 मैच इनका टाई रहा है। और बात करें ओपनिंग की तो गौतम श्रीनिवासन और जैसे कमलेश्वरन दोनों ने ओपनिंग किया, इससे पहले श्रीनिवासन काफ़ी नीचे खेले, देखो शुरुआत के अंदर 3 मैच के अंदर तो उनकी बैटिंग ही नहीं आई, इससे पहले बात थोड़ी उसे ऊपर खेले, और पिछली 2-3 मैच के अंदर 4th नंबर पर खेल रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, और लास्ट मैच की बात करो तो ओपनिंग करते हुए 27 रन किए, तो आई थिंक शायद अभी कंटिन्यू करवा सकते हैं ऐसे श्रीनिवासन, तो इनको एज अ रिस्की प्लेयर के तौर पर यहाँ से गौतम श्रीनिवासन को लेना चाहो तो ले सकते हो, आई थिंक शायद ऊपर से खेलेगा तो अच्छा स्कोर कर सकता है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान जरूर रखना है कि सामने वाली टीम का यहाँ से बॉलिंग डिपार्टमेंट काफ़ी तगड़ा है, तो शायद यहाँ से कॉलेप्स भी करवा सकते हैं। बाकी कमलेश्वरन वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इवन कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए अच्छी चॉइस है यहाँ से कमलेश्वरन, तो इनको तो डेफिनेटली लेके जाएंगे। ऐसे अरविंद राज विकेट आई थिंक विकेट कीपिंग सेक्शन से एक अच्छी चॉइस मिल सकती है आपको, तो एज अ प्लेयर ये तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इवन 37 जागीर भी ज़्यादातर जनता इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन करके आ सकती है, और आप भी कर सकते हो क्योंकि पिछली सारी मैचेस के अंदर इनका परफॉर्मेंस काफी तगड़ा रहा है, तो ये भी डेफिनेटली अच्छी चॉइस रहेंगे। इवन कैप्टन या वाइस कैप्टन मेरे यहाँ से 37 जागीर भी रहने वाले हैं। एस राजाराम जैसे प्लेयर्स काफी अच्छे हैं, ऐसे बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करवा लेते हैं, लेकिन पिछले कुछ मैचेस के अंदर विकेट नहीं मिली, तो शायद मैं इनको सजेस्ट ना करूं हमारी टीम के अंदर। बाकी थिवांगर जी इनका भी कुछ ऐसा ही है, इनके बारे में मैंने बताया था कि अगर ऊपर से खेलेंगे तो स्कोर करेंगे, तो इनको भी देखो आप देख सकते हो कि 2 मैच के अंदर जो स्कोर किया है ना वो 3rd या 1 डाउन खेले हुए हैं थिवांगर, तो अगर देखो ऊपर से खेलते तो यहाँ से स्कोर करेंगे, अगर नीचे से खेलते बैटिंग नहीं आती तो फिर इनको लेके जाना थोड़ा बहुत रिस्की रहेगा। अभी यहाँ देखते हो लास्ट मैच के अंदर उनको परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं मिला, यानी कि ओवर से नहीं करवाई, इससे पहले ओवर से उन्होंने काफ़ी अच्छा किया था, 2 विकेट निकाले थे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से लास्ट मैच के अंदर उनसे ओवर नहीं करवाए, तो यहाँ से देखो ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा खेल होता है तो फिर यहाँ से अनप्रेडिक्टेबल मैच हो जाती है, तो ये जो खेल है थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो वित्तीय जोखिम शामिल है इस खेल के अंदर, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेगा। बाकी एम रथीराम को लेने के लिए बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता मैं, मगेश को डिफरेंशियल वे में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, स्मॉल लीग के लिए थोड़े बहुत रिस्की रहेंगे। फारिश को लेने का कोई मतलब नहीं है, ये भी आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे और परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहा है, तो इनको लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। अच्छा हालांकि सीरीज है 4 बॉलर्स काफ़ी अच्छे, लेकिन परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं रहा, हालांकि लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट जरूर निकाले, इससे पहले 3 मैच के अंदर लगातार 3-1-1 विकेट निकाला था, लेकिन इतना कोई खास परफॉर्मेंस अभी तक रहा नहीं, अभी तक 5 मैच के अंदर उनको विकेट नहीं मिली है, तो देख लेते अगर वो अच्छी चॉइस ना मिले तो ट्राई करेगा, बाकी स्मॉल लीग के लिए थोड़े बहुत रिस्की रहेंगे। इस प्लेयर को मैं यहाँ से सजेस्ट कर सकता हूँ बी स्वरूप को, लेकिन इनका भी कुछ ऐसा ही कर ये जो कंटिन्यूसली बेसिस पर यहाँ से ओवर्स नहीं करवाते हैं, देखो तो पहले मैच के अंदर उनको विकेट नहीं मिला, फिर उन्होंने ओवर्स ही नहीं की, फिर 2-3 मैच खेले नहीं, और लास्ट मैच के अंदर 1 ओवर की गेंदबाजी की जहाँ पर 1 विकेट मिल गई। अगर यहाँ से ओवर्स कंटिन्यू करवा देता है, यहाँ से 1-2 ओवर्स करवाएगा तो विकेट जरूर मिलेगी, लेकिन ओवर्स नहीं करवाएगा तो फिर क्या ही बोल सकते, तो यहाँ से ये थोड़े से डिफरेंशियल वे में थोड़े से रिस्की खेलो, या से ग्रांड लीग वगैरह खेलना चाहो तो खेल सकते हो। देखो मैंने यहाँ से डेथ ओवर्स मेंशन नहीं किए, मैंने सेकंड लास्ट मैच वाले के यहाँ से मेंशन किए हुए, तो देख लेते अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी बैच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम में दी जाएंगी, तो ये टेलीग्राम से जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अभी के लिए चलिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रहेगी, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग कैसे अवॉइड करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में यहाँ से ए राज आर रहेंगे, बाकी बैटिंग सेक्शन की बात करो तो ए आनंद करगावे, ए कमलेश्वरन और यहाँ से के अरविंद रहने वाले। देखो करगावे की बात करूँ तो यहाँ से इनको सेफ है, इसके लिए मैंने पिक किया हुआ है, बाकी आप अगर चाहो तो यहाँ से करगावे को यहाँ से ड्रॉप करके इनकी टीम का एक बॉलर्स भी ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी 7 प्लेयर जो है यहाँ से पूरे हो जाने के कारण मैंने एक बॉलर इनका कम लिया हुआ है, तो आनंद करगावे की जगह पर यहाँ से थेंगावन वगैरह ले सकते, जी श्रीनिवासन को ले सकते हो, आई थिंक शायद कंटिन्यू ऊपर से खेलेगा, तो यहाँ से
ये कुछ चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो। आनंद करगावे की जगह पर यहाँ से श्रीनिवासन को लेके एक बॉलर उनका ज्यादा ले सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में ऐसे मरीमुटू और यहाँ से जवाहर राज रहेंगे। बाकी बॉलिंग सेक्शन की बात करो तो एन वेंकटेशन, एस जागीर भी, यहाँ से बी भूषण शर्मा, के कश्यप रुडवी और ऐसे सीरीज एचआर को मैंने पिक किया हुआ है। अभी मेरा मन है यहाँ से सुब्रमण्यम को लेने का, लेकिन वही हो रहा है कि इनके जो प्लेयर्स है खत्म हो रहे हैं, यानी कि 7 प्लेयर्स ले सकते हैं एक ही टीम से, वही हो सकता है। अभी आपके चॉइस बनती है, यहाँ से सुब्रमण्यम को ले सकते हो या फिर ऐसे आनंद करगावे जो कि यहाँ से सेफ रहेंगे, तो इसके लिए मैंने इनको लिया हुआ है। बाकी कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की बात करूँ तो मैं यहाँ से शागिर भी को कैप्टन करके कमलेश्वरन को वाइस कैप्टनशिप दे रहा हूँ। देखो कमलेश्वरन सेफ कैप्टन है, यहाँ से इनको कैप्टन करके आप मरीमुटू को वाइस कैप्टन कर सकते हो, जो कि यहाँ से सेफ भी है, यानी कि ज़्यादा जनता इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन करके आ रही है। तो आप भी सेफ जाना चाहें तो इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टनशिप दे सकते हो। बाकी अभी मेरी टीम इस तरह रहेगी, लेकिन याद रहे डेमो टीम है। फाइनल टीम टेलीग्राम में मिलेगी, फाइनल लाइनअप के बाद तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक अटैच किया हुआ है, इनके अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है। बाकी यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ। तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी मीनिंग करते रहो। बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।